राधे राधे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एचके पर। जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में होंगे और आपके फैमिली वाले भी अच्छे होंगे। अभी इंडिया में कुछ लास्ट वीक से, हफ्ते से थोड़ा कोविड की सिचुएशन कंट्रोल है, केसेस भी कम आ रहे हैं एंड बात की जाए और रिकवरी रेट बेटर हो चुका है। तो कुछ टाइम और लगेगा रिकवर होने में, तो आप पेशेंट बना के रखें। सो बात करते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस निकाला है, उसके बारे में बात करते हैं। सो बी नोटिफाइड दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जामिनेशन स्टैंडिंग कमिटी कंस्टिट्यूट बाय ऑनरेबल वाइस चांसलर एंड द फॉलोइंग डिसीजन वर टेकन। द एक्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज विल सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज एंड एग्जामिनेशन फी ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट विल बी चार्ज फॉर्म दिस स्टूडेंट फ्रॉम द सेशन 2021-22 फॉर द पर्पज ऑफ द कॉलेज मे बी अलाउड टू चार्ज प्रोसेसिंग फीस 50 पर स्टूडेंट अबव देयर एग्जामिनेशन फी। सो आप देख सकते हो, जो आप एक्स स्टूडेंट हो, जो जिस कॉलेज से आप पास आउट हो, यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, जिस कॉलेज से आप पास आउट हो, आपको जो अपना फॉर्म है सप्ली का, जिसमें आपकी सप्ली है, ठीक है, उसी कॉलेज में जाके आपको फिल करना है। यहाँ पे ये बात कही गई है फर्स्ट पॉइंट में। द रिपेयर कंपार्टमेंट स्टूडेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विल सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन एंड फी ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट विल बी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे बात की जा रही है डिस्टेंस वाले, जो रिपेयर है, जिनकी कंपार्टमेंट है, जो डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो अपना जो फॉर्म है सबमिट कराना है उनको डिस्टेंस एजुकेशन में, तो ये बात ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट इज द चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट विल बी कंसाइडर एज यूजल वूज एग्जामिनेशन वर नॉट कंडक्टेड में। द चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट विल बी कंसाइडर एज यूजल। सो आपको पता ही है, जिनका अभी तक इम्प्रूवमेंट वाले हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, उनके फर्दर एग्ज़ाम मई में तो नहीं हो सकते, जून जुलाई में अगर हो तो देखी जाएगी। सो नेक्स्ट जो बात हम करते हैं नोटिस की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट कंटिन्यू। सो आप देख सकते हो एक फ्रेश रिजल्ट है 19 का, बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर मई 2020। सो एनालाइज करते हैं कि चार स्टूडेंट थे और चारों स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट वन, और आई थिंक मेरे हिसाब से सप्ली तो नहीं है, सब्जेक्ट वन लिखा हुआ है यहाँ। तो यही आपसे शेयर करना था, और एक नोटिस जो मेन था एक्स स्टूडेंट्स वालों के लिए, कि आपको फॉर्म, एक्स स्टूडेंट वालों को फॉर्म कहाँ पे सबमिट कराना है, और DDE वालों के जो रिपेयर है, कंपार्टमेंट है, उनको कहाँ पे फॉर्म सबमिट कराना है। तो वो नोटिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आप पजल हो जाओ, क्योंकि एक्स स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम पास आउट हो चुके कॉलेज से, तो अब कॉलेज से कोई लेन देन नहीं है, यूनिवर्सिटी जाके फॉर्म भरेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने कॉलेज से भी फॉर्म ही भर सकते हो, एक्स स्टूडेंट्स पास आउट हो चाहे रिपेयर हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।